पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं तीन बार सांसद रहे सुरेश चंदेल द्वारा कांग्रेस का दामन थामने से करारा झटका लगा है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी माना है कि पुराने कार्यकर्ताओं के जाने से पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन उन्होंने इसे चंदेल का व्यक्तिगत निर्णय करार दिया है। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं तीन बार सांसद रहे सुरेश चंदेल द्वारा कांग्रेस का दामन थाम लिया गया है, इससे भाजपा को करारा झटका जरूर लगा है। हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी माना कि पुराने कार्यकर्ता के जाने से पार्टी को नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने चंदेल के इस निर्णय को व्यक्तिगत निर्णय करार दिया। धूमल ने कहा कि निश्चित तौर पर कोई कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि सुरेश चंदेल उनके पुराने मित्र एवं साथी थे। कांग्रेस में जाना सुरेश चंदेल का व्यक्तिगत निर्णय है। धूमल से जब हमीरपुर की पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर की घर वापसी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में जिला या प्रदेश भाजपा संगठन ही बता सकता है। धूमल ने कहा कि भाजपा व मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। अभी आपके आने से पहले कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को देखकर और मोदी जी के नेतृत्व को देखकर भारी संख्या में लोग पार्टी में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। सर, सुरेश चंदेल जी आज कांग्रेस ज्वाइन कर गए, पार्टी को उसका लॉस है। निश्चित तौर पे कोई कार्यकर्ता छोड़ता है तो नुकसान होता है। सुरेश जी हमारे पुराने मित्र साथी थे, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उर्मिल ठाकुर भी है सर यहाँ पर, क्या उसकी भी वापसी हो रही है? ऐसे में संगठन वालों को पता होगा, जिला का और प्रदेश को। आपको बता दें कि सुरेश चंदेल की भाजपा में हो रही अनदेखी का ही ये परिणाम है कि उन्होंने देर सवेर कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं कुछ दिन पहले ही समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से भी उन्होंने मुलाकात की थी। इसके बाद भाजपा संगठन और सरकार से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। सुरेश चंदेल ने एक बार भाजपा में रहकर भाजपा के लिए काम करने का मन भी बनाया था, लेकिन सोमवार को सुरेश चंदेल द्वारा भाजपा से इस्तीफा देकर दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के समक्ष कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी दी। डालकर गली मोहल्ले में गांव में बेचता है, कहीं कॉपी पेंसिल बेच रहा होता है, कहीं टॉफी बेच रहा है, कहीं चिप्स बेच रहा है। बुढ़ापा आ गया, दुकान बंद हो गई, आमदन बंद हो गई, तो उसमें भी गरीबी आ गई। तो मोदी ने कहा किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, जो भी 60 साल से ऊपर हो जाएगा और कोई आमदनी नहीं होगी, पेंशन नहीं होगी, तो मोदी सरकार बनाओ, 3,000 रुपये महीने की पेंशन।